नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अमित शाह ने अपने पिछले बयानों में कह दिया था कि NRC को हम लागू कर देंगे और हाल ही में असम में लागू भी कर दिया है। हम आपको बता दें कि जो असम में जो बिना रजिस्टर्ड के थ्रू रह रहे हैं, जो यहाँ के नागरिक नहीं माने जा रहे हैं, उनकी संख्या करीब 19 लाख से भी ज़्यादा है। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी इस स्टेटमेंट को लेने के बाद, NRC को लेने के बाद, अभी RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भी यह कह दिया है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो बाहर देश की प्रताड़ना के बाद अगर वो हमारे भारत में आए हैं और वो हिंदू हैं, तो उनको इस देश से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जानने वाली बात यह है और सोचने वाली बात यह है, अगर ये NRC अमित शाह ने सिर्फ उन लोगों के लिए कर रखा है जो लोग हिंदू नहीं हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी एक ऐसा देश है जो कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। हम आपको यह भी बता दें कि मोहन भागवत ने इसके बयान को लेकर के आगे काम भी करना शुरू कर दिया है और लोगों में इसकी क्या है पहल, हम आपको बताएंगे जरूर। लेकिन आज सिर्फ हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं कि भारत सरकार ने एक मौका उनको दिया है कि जल्द से जल्द कोर्ट के सामने अपने आप को रखें और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें ताकि उनके डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कर सकें। और हम आपको यही बता दें कि मोहन भागवत का भी इसको लेकर के बाहर से जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं जो कि गैर नागरिकता हैं और भी जाति के जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर, उनमें से सिर्फ जो हिंदू जाति के जो लोग हैं उनको ही यहाँ पर रखा जाएगा। वो अलग मैटर है कि वो किसी और जाति के हों, लेकिन अगर वो यहाँ भारत देश में रह रहे हैं और वह हिंदू जाति के हैं तो उनको यहाँ पर रहने का पूरा हक है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मोहन भागवत हिंदुओं के पक्ष में ये बयान देकर ये साबित करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही रह सकते हैं, यानी कि देखा जाए तो NRC का फॉर्मूला सिर्फ हिंदुओं को बचाने के लिए किया गया है। तो क्या है पूरी खबर, हम आपको चलिए बताते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को असम में NRC से लोगों के बाहर होने को लेकर लोगों के चिंताओं को दूर करने की कोशिश की। रिपोर्टर्स के मुताबिक भागवत ने कहा कि एक भी हिंदू को देश छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों में प्रताड़ना सहने के बाद भारत आए हिंदू समुदाय के लोग अब यहीं रहेंगे। माना जा रहा है कि भागवत ने यह टिप्पणी संघ और भारतीय जनता पार्टी समेत उससे जुड़े संगठनों की बंद दरवाजे के पीछे हुई समन्वय बैठक के दौरान की। समन्वय बैठक के बाद संघ के एक पदाधिकारी ने कहा, मोहन भागवत जी ने स्पष्ट कहा है कि एक भी हिंदू को देश नहीं छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि दूसरे राष्ट्रों में प्रताड़ना और कष्ट सहने के बाद भारत आए हिंदू यहीं रहेंगे। असम में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय नागरिक पंजी NRC की 31 अगस्त को जारी हुई अंतिम सूची में 19 लाख से ज़्यादा आवेदकों के नाम नहीं है। संघ के सूत्रों के मुताबिक बैठक में मौजूद कुछ नेताओं ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय नागरिक पंजी की कवायद शुरू करने से पहले राज्य में नागरिकता संशोधन विधेयक को लागू करने की जरूरत को भी रेखांकित किया। बैठक में शामिल एक वरिष्ठ नेता ने कहा, बंगाल में पहले नागरिकता संशोधन विधेयक लागू होगा और इसके बाद NRC लाई जाएगी। राज्य के हिंदुओं को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में इस महीने के शुरू में संघ की 3 दिवसीय वार्षिक समन्वय बैठक के दौरान यह चिंता व्यक्त की गई थी कि असम में NRC की अंतिम सूची में कई वास्तविक लोग छूट गए थे जिनमें से अधिकतर हिंदू थे। भागवत का यह बयान इसी चिंता की पृष्ठभूमि में आया है। भागवत 19 सितंबर को कोलकाता पहुंचे थे। यह समन्वय बैठक 2 दिन चलेगी। तो जैसा कि आपने ये पूरी रिपोर्ट देखा और पढ़ा और समझा भी, आपको क्या लगता है कि NRC का मतलब क्या हो सकता है और NRC लाने का इस देश में क्या मकसद हो सकता है, आप हमें बताइएगा ज़रूर। हमें आपका उत्तर का इंतज़ार रहेगा। आप हमारे इस वीडियो के कमेंट में जा करके ज़रूर बताइएगा। बाकी और अन्य खबरों के लिए जुड़ रही हमारे साथ एक रेडियो सोन न्यूज़। धन्यवाद।